दोस्तों पर भी अब एतबार नहीं, ना जाने कौन कब गुनाहगार बन जाए। साइबर सिटी गुड़गांव में एक लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्ती के बिना पर वो कभी जिस शख्स से बात करती थी उसी शख्स ने बंदूक की नोक पर उसका किडनैप कर लिया। वारदात मंगलवार की है, जब ऑटो का इंतजार कर रही गर्ल्स कॉलेज की एक छात्रा को दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया। अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी छात्र का पुराना दोस्त था, जिससे अब छात्रा बात करना छोड़ चुकी थी। दिन दिहाड़े हुई इस किडनैपिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया। आरोपी की तलाश की गई और चंद ही घंटों में गुरुग्राम पुलिस ने अपहरण के आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में काला काम करने के बाद सफेद कपड़े से अपना मुंह ढके हुए ये वही शख्स है जिसने छात्रा का अपहरण किया, और ये वही कार है जिसमें छात्रा को अगवा कर ले जाया गया। कल एक शिकायत मिली थी कि एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को एक आदमी ज़बरदस्ती पिस्टल की नोक पे और अपनी फॉर्चुनर गाड़ी में बिठा के लेगा, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में या कहें कि भी कुछ ही मिनटों में हमने उस केस को ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की। और उसमें जो अभियुक्त था, मेन आरोपी, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम राहुल उर्फ चरणजीत है। ये सिकंदरपुर बड़ा का रहने वाला है। इससे वो फॉर्चुनर गाड़ी भी हमने रिकवर कर ली है और इसका पिस्टल जो रिवॉल्वर था वो भी रिकवर कर लिया। 6 कार्टेज भी इससे रिकवर हुए हैं। और जो जांच में सामने चीज़ आई है कि भी पहले इसकी उस बच्ची से दोस्ती थी और ये अब ज़बरदस्ती उसको अपने साथ रखना चाह रहा था उसकी मर्जी के खिलाफ, और इसलिए ये पिस्टल की नोक पे उसको साथ बिठा के लेके गया था। लड़की सुरक्षित उसके परिजनों के हवाले की गई है। वह इसके खिलाफ कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी राहुल उर्फ चरणजीत सिकंदरपुर बड़ा गांव का रहने वाला है और प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। पुलिस ने आरोपी राहुल के कब्जे से उसकी लाइसेंसी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।